त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बंपर जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरी उमंग और उत्साह। जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर भाजपा कार्यालय पर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगाए नारे। त्रिपुरा में जहां अकेली बीजेपी ने ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी की गठबंधन ने बंपर हासिल की है। वहीं मेघालय में कॉनराड संगमा की सत्ताधारी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हुई घटना को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। राबड़ी ने कहा, तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, बीजेपी देश में दंगा फैलाने का काम कर रही है। किसी भी झूठी घटना का अफवाह फैलाकर बिहार को बदनाम करना चाहती है। तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो एक कार्यक्रम में गए थे और इसी को लेकर तेजस्वी यादव को बदनाम करने की नीयत से बीजेपी वाले हो हल्ला कर रहे हैं। अरे भाजपा पार्टी पूरे देश में देश को जलाना चाहता है, अफवाह फैलाता है। जो तमिलनाडु में हुआ था घटना कि बिहारी लोग का पीटा गया है, वो गलत बात है। वैसा कांड होइबे नहीं किया, वो आपूस के लड़ाई वो लोग के था, आपूस के लड़ाई वो लोग किया था, सरकार नहीं पिटवाया था वहाँ के। और जो तेजस्वी गए थे, मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, तब एक उप मुख्यमंत्री के जाना फर्ज है, गया था तो बदनाम वो लोग को बदनाम कर रहे हैं, तो बिहार के बदनाम कर रहा है बीजेपी, और पूरा देश को जला दिया, आपका चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति समेत 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड सरकार मैट्रिक और इंटर पास स्टूडेंट को लैपटॉप और मोबाइल बांटेगी। इसके अलावा ओलंपिक खेलों में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट बैठक में नियोजन नीति के संशोधन को मंजूरी देते हुए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होने की पात्रता को समाप्त कर दिया गया है। पहले सरकार ने यह नियम बनाया था कि नई नियोजन नीति में नौकरी के लिए उन्हें ही माना जाएगा जो लोग मैट्रिक और इंटर की परीक्षा झारखंड से पास हुए होंगे। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में पेश किया वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट। बजट में पहली बार हुई 15% की बढ़ोतरी, 1,16,418 करोड़ का बजट हुआ पेश। सरकार ने कहा, बजट में हर तबके के लोगों को राहत पहुंचाने का किया गया है प्रयास। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का होगा विस्तार, 2 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ। बजट में पेंशन योजना से छात्रवृत्ति योजना में की गई 3 गुना की बढ़ोतरी। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख किसानों के 1,727 करोड़ रुपए की ऋण माफ की गई है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ में ईडी की छापेमारी, मोहम्मद इजहर अंसारी के ठिकानों से 3 करोड़ रुपए बरामद। बता दें कि ईडी द्वारा ये छापेमारी आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले में है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने पूजा सिंघल को झारखंड के कुछ जिलों में मनरेगा के वित्तीय गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। पोस्टर में दिखाई दिया है मोदी जी का अमृतकाल गरीबों के लिए है नरक के समान, तो वहीं पोस्टर में स्मृति ईरानी के गैस वाले जगह पर लिखा है क्योंकि गैस भी कभी सस्ती थी। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय टेलीविजन के सबसे चर्चित सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से घर घर में काफी लोकप्रियता हासिल की थी। इसलिए महंगाई गैस के बढ़ते दामों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने क्योंकि गैस भी कभी सस्ती थी का नारा दिया है और विपक्षी प्रहार जारी रखा है। ईडी की गिरफ्त में आए इंजीनियर बीरेंद्र राम की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। कोयला और बालू के अवैध उठान पर बीजेपी विधायकों ने सीएम हेमंत सोरेन का मांगा इस्तीफा। ईडी की गिरफ्त में आए ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर बीरेंद्र राम को लेकर सियासत में आया उबाल। बीजेपी के विधायकों ने सरकार पर बीरेंद्र राम को संरक्षण देने का लगाया गंभीर आरोप। उपेंद्र कुशवाहा के बाद पूर्व सांसद मीना सिंह ने छोड़ा जेडीयू का साथ। महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद सांसद मीना सिंह चल रही थी नाराज। कहा, नीतीश के साथ मैं कभी जुदा नहीं होना चाहती थी। नीतीश का तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित करना दुखद है। उन्होंने कहा कि भोजपुर के लगभग 90% लोग त्यागने वाले हैं जेडीयू की सदस्यता।